नंदनवन थाना अंतर्गत पति के शक करने पर महिला ने आत्महत्या करने की खबर सामने आई है तथा नंदनवन पुलिस आगे की जांच कर रही है। अज्ञात व्यक्ति का फोन महिला की मौत का सबब बना। पति ने शक किया तो पत्नी ने जहर घटक लिया, उसकी मौत हो गई। नंदनवन थाने में आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज किया गया है। मृतका आरती सचिन उर्कुड़े उम्र 28 जुना बगड़गंज स्थित कुम्हार टोली निवासी है। शनिवार को किसी अपरिचित व्यक्ति का आरती को फोन आया था। आरती का कहना था कि वह फोन किसका है उसे नहीं पता, लेकिन पति को ये लग रहा था कि वह उससे झूठ बोल रही है। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, पश्चात सचिन घर से चला गया। इससे आहत होकर आरती ने जहर घटक लिया। हालत खराब होने पर उसे निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सहायक उप निरीक्षक सविता यादव ने आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज किया है। आगे की जांच नंदनवन पुलिस कर रही है। सदर महिला का नाम है आरती सचिन उर्कुड़े। सदर जी महिला ही कुमार टोली तला, तिचा लग्न 11 वर्ष झाले, तिला दोन मुले आहेत। दिनांक 4/6/2022 ला सायंकाळच्या वेळी तिचा पती घरी आला असताना ती फोनवर बोलत होती, तेव्हा तिने पतीने विचारले ती कोणाशी बोलत आहे, यावरून तिला राग आला आणि रागाच्या वरात तिने घरात ठेवलेले गहू तांदळाच्या वापरासाठी असलेलं सल्पात नावाचे औषध पाशन केले। त्यानंतर तिची प्रकृती बिघडल्याने तिला लकडगंज पोस्टीच्या हद्दीतील सनराईज रामदेव बाबा हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आले। त्यावेळी तिची प्रकृती ठीक होती, तिचं बयान पण झालं, पण नंतर अचानक प्रकृती बिघडल्याने ती काल सकाळी 8:30 दरम्यान मरण पावली। सदरची डेथ इमर्जन्सी आम्हाला प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही सदरची पोलीस कारवाई केली आणि सदर बाबत तिचा पती माहिती घेतली। सदर पती हा पेंटिंगचे काम करतो, सध्या तरी कोणावर काही संशय तक्रार नाही आहे, अधिक तपास सुरू आहे।